राम राम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनीता गौर। दिल्ली के कट्टर ईमानदार केजरीवाल को कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। एक तरफ दिल्ली सेवा बिल उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ लेकर टूट पड़ा है, तो दूसरी तरफ शराब घोटाले को लेकर कानूनी कार्यवाही बढ़ती ही जा रही है। केजरीवाल के चहेते मनीष सिसोदिया जी को कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत की सुनवाई 4 सितंबर तक टाल दी है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन में से केजरीवाल जी के बाहर आने की खबरें भी सामने आ रही हैं। आज चारों तरफ से फंसे केजरीवाल को लेकर ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सुनने में आया है कि इन दिनों किसी भी प्लेटफॉर्म पर ना दिखाई देने वाले केजरीवाल प्लानिंग में व्यस्त हैं कि इन सब चीजों से कैसे बाहर निकला जाए। कल राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली और उसकी खुशियां सभी पार्टी के लोगों ने मनाई। अखिलेश हो, ममता हो, सभी ने इस बारे में अपने ट्वीट करके उनको बधाई दी, लेकिन केजरीवाल का कहीं भी ट्वीट नहीं दिखाई दिया। केजरीवाल ने राहुल को बधाई नहीं दी। बधाई क्यों नहीं दी? क्योंकि केजरीवाल फंस गए हैं बेचारे। तो बात करते हैं केजरीवाल के सबसे करीबी और हमराज मनीष सिसोदिया की, जिनके लिए केजरीवाल कैंपेन चला रहे थे कि मोदी जी ने इनको जेल में डाल दिया है। सिसोदिया को जेल में डालने पर केजरीवाल ने यही चीख चीख कर कहा कि मोदी जी ने उनको जेल में डाल दिया है। तो कल कोर्ट की कार्रवाई में ये वहां पहुंचे, लेकिन वहां जाकर इन्होंने ये नहीं कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं। कैसे कहेंगे? क्योंकि कोर्ट तो सबूत मांगता है। कोर्ट सबूत मांगेगा कि मोदी जी ने मनीष सिसोदिया को कैसे फंसाया। कोर्ट में जाकर तो मनीष सिसोदिया ने यही कहा कि मेरी बीवी बीमार है, तो उसके लिए मुझे जमानत दी जाए। वैसे देखा जाए तो कल का दिन उनकी पैरवी कर रहे वकील मनु सिंह जी का कल बड़ा बिजी दिन था। उनकी पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंह जी ने कोर्ट को कहा कि इनकी वाइफ को बहुत आवश्यकता है, तो सीबीआई के अधिकारी ने कागज पेश कर दिए। कागज दिखाकर सीबीआई अधिकारी ने बताया कि 20 साल से इनकी वाइफ को यही बीमारी है, तो 20 साल से इनकी वाइफ को इनकी जरूरत नहीं पड़ रही थी। केजरीवाल जी की चाकरी बजाते हुए ये 24 घंटे काम करते थे, तो घर में इनकी वाइफ की देखभाल कौन करता था? कोर्ट में चल रही इस तरह की पैरवी को आगे बढ़ाते हुए वकीलों ने जो बात कही वही हम आपको यहाँ सुना रहे हैं। उनकी बात सुनकर जज साहब ने यही कहा कि ऐसा तो स्थिति में बदलाव होने की कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ भी वैसी ही स्थितियाँ बन रही हैं जैसे कि लोअर कोर्ट साउथ रेवेन्यू कोर्ट में स्थितियाँ बन रही थी। इसके बाद जब मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने भी पत्नी से मिलने की इजाजत तो दी, लेकिन तमाम शर्तों के साथ। अब मनीष सिसोदिया के मित्र केजरीवाल पूरी तरह से आइसोलेटेड हो चुके हैं। लोकसभा में जो हाल इनका हुआ है वही राज्यसभा में भी होता हुआ दिख रहा है। केजरीवाल अध्यादेश को हरा कर मोदी को हराने की बात कहकर वह तमगा अपने सीने पर लगाने की कोशिश में थे। बीच मझधार में हाथ पांव मारते हुए केजरीवाल को उनके नए बने गुट ने ऐसे ही छोड़ दिया। क्या केजरीवाल जी को ये पता नहीं था कि उनके गुट पर उनको ऐन मझधार में छोड़कर इस तरह से गायब होंगे जैसे कि गधे के सिर पर से सींग? विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो इतिहास में यह दर्ज नहीं करवाना चाह रही कि जब यह अध्यादेश संसद में पास हुआ तो वो केजरीवाल के साथ खड़ी थी, क्योंकि चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, गोवा हो, सभी जगह की लोकल जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली में बैठे आकाओं को केजरीवाल के विरुद्ध बता रही हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी लोकल यूनिट की बात अनसुन करके अपनी ही दोनों आंख खोलने में लगी हुई थी केजरीवाल का साथ देकर। कांग्रेस की लोकल यूनिट यही बात कह रही है कि जल्दी से जल्दी केजरीवाल से अपना पीछा छुड़ाओ। इसलिए कांग्रेस ने जो हालिया कदम उठाए हैं उनको देखते हुए केजरीवाल को लग गया है कि उनकी दाल अब INDA में नहीं गलने वाली। अब तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से बरी भी कर दिए गए हैं और वो प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनेंगे। दूसरी ओर अपने बच्चों की कसम खाने वाले केजरीवाल को BJP भी घेर कर बेइज्जत करेगी। इससे बेहतर है INDA के गठबंधन से बाहर निकल कर वो कोई और अन्य पार्टियों से मिलकर थर्ड या फोर्थ गठबंधन बनाए। बस इसी की प्लानिंग में जुटे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। तो देखते हैं आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल किस तरह से अपने नए दोस्तों के साथ, नई पार्टियों के साथ अलग संगठन बनाकर इस चुनाव में सामना करते हैं BJP और मोदी जी की आने का।
हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और मेरे चैनल को सहयोग देते हुए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। राम राम दोस्तों।